Good morning, students. Today I am providing you complex sentence. Your topic in 11th class is going on synthesis. So you have completed your simple sentence. Now you have also completed complex sentence. Complex sentence hota kya hai? पहले जो सिंथेसिस देखें, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, उसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स मिश्रण करना, मिला जाना, मिलाना। तो सबसे पहले आपका था सिंपल। सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनता है? दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 प्रकार वो आपको बताए गए हैं। नंबर एक पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में, और पैसिव में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दूसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, जिसमें रिजल्ट रिजल्ट का परिणाम परिणाम जहाँ पे होता है, रिजल्ट जहाँ पे होता है वहाँ पर ही इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। शी वेंट टू आगरा। दूसरा है शी वांट टू सी ताजमहल। तो शी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, टू से पहले, सी से पहले टू का प्रयोग किया गया। तीसरा आपका है यूज ऑफ प्रपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। नाउन और जीरंड से पहले प्रपोजिशन का यूज करके, प्रपोजिशन आपको पता है वाई है, ऑन है, इन स्पाइट है, ऑन अकाउंट है, बिफोर है, आफ्टर है, इनका यूज करके। यूज कहाँ पे करना है? जीरंड से पहले या नाउन से पहले। नाउन क्या है? ऑल द वर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज, सारे चीजें, ऑल द वर्ड, सारे शब्द जो यूनिवर्स के हैं वो नेमिंग है, नाम है, उन्हें कहते हैं नाउन। और जीरण क्या आता हो, क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो तीसरा टॉपिक हो गया यूजिंग नाउन, ओ यूजिंग प्रपोजिशन बिफोर नाउन और जीरण। चौथा है यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। सो ही इज द बॉय हु केम हियर, एडजेक्टिव। या दिस इज द शर्ट दैट इज ब्लू, उसकी विशेषता है कि ब्लू शर्ट है ये। कंजक्शन ज्यादातर दो शब्दों को जोड़ने के लिए आता है, एंड ही आता है यहाँ पे। एक है यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, वो पार्टिसिपल की तरह ही होता है, बस उनका सब्जेक्ट अलग अलग होता है। फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, उसमें कॉमा लगा के उसका, उसकी विशेषता उसके पास रख देते हैं। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस के 8 काइंड्स हो गए। अब आप आ जाओ कॉम्प्लेक्स पे, वो भी आपके पूरे हो चुके हैं, अनिल सर और प्रीति मैम दोनों ही करा चुके हैं। नाउन क्लास नंबर 1 नाउन क्लास से बनती है, और एडवर्ब क्लास से, और एडजेक्टिव क्लास से। तीन तरह से आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनती है। तीनों तरह से आप रूल समझाए जा चुके हैं। कुछ शब्द हमने लिख दिए हैं कहाँ पे क्या आता है। जैसे आप देखिए नाउन क्लाज, नाउन क्लाज में कौन कौन से शब्द आते हैं? मोस्टली दैट, इफ, कंडीशन के लिए, या वेदर, और डब्ल्यू एच फैमिली के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। एडवर्ब क्लाज में क्या क्या आता है? व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, बिफोर, ऑल्दो। एडजेक्टिव क्लाज में हु, whom, which, whose, that, ये सारे सेंटेंस आपके। वैसे और भी आते हैं लेकिन मेन मेन हमने आपको बता दिए। अब आपको हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आपकी ये बुक देखिए 12th क्लास के, 11th 12th दोनों के लिए है। इस बुक से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मिक्स
एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों हो चुके हैं, आपको कंपाउंड बचा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मिक्स, उसमें नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों क्लाज होंगी, उनकी आपको हम एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। देखिए आप, अभी एक्सरसाइज है आपकी 36, एक्सरसाइज नंबर 36 है, देखें। यू मस्ट राइज अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, योर हेल्थ दिखाई दे रहा है यहाँ से। हाँ, तो यू मस्ट राइज अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, दूसरा सेंटेंस है। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, तभी आप अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे। आप जल्दी उठेंगे तो आपकी हेल्थ सुधरेगी। तो इसमें क्या आएगा, कंडीशनल सेंटेंस बनाएं, इसको इफ से यूज करें। इफ यू, इसमें मस्ट हटेगा, इफ यू राइज अर्ली, दूसरा याद लिख लें, दूसरा सेंटेंस, यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ। तो इसमें क्या आ गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया ये, इफ यू राइज अर्ली, दूसरा यू विल कॉमन आ गया, यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, ऐसी हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखें, बी मस्ट लव द पुअर, बी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों की, गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी, गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो क्या आएगा, यहां से आप ले लें, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी टॉट अस, सो हट जाएगा दैट, फिर ऐसी आ जाएगा We must love the poor. गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, some boys are bad, कुछ लड़के कैसे हैं, बैड हैं, बुरे हैं। दे आर डिसलाइक्ड बाई एवरी वन, दे आर डिसलाइक्ड बाई एवरी वन, एवरी वन, उनको हर कोई डिसलाइक करता है। तो कैसे आएगा आपका, Some boys are disliked by everyone. Disliked by
एवरीवन, कुछ लड़के सबके द्वारा डिसलाइक किए जाते हैं। क्यों करे जाते हैं? बिकॉज दे आर बैड। सम बॉय की जगह पर दे आ जाएगा, बिकॉज दे आर बैड। क्यों उनको डिसलाइक किया जाता है? क्योंकि वो लड़के कैसे हैं? बुरे हैं, इसलिए उनको हर कोई डिसलाइक करता है। अगला क्वेश्चन है, ही सेज समथिंग उसने कुछ कहा, आई कैन नॉट रिले ऑन इट। उसने कुछ कहा, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो आप लिखेंगे, इट हट जाएगा, आई कैन नॉट रिले ऑन। अब समथिंग हटके क्या आ जाएगा? व्हाट, व्हाट, और ये ही सेज ऐसी आ जाएगा, व्हाट ही सेज, मैं भरोसा नहीं कर सकता जो भी उसने कहा है। तीसरा, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर टीम won the match, हमारी टीम क्या हुई? मैच जीत गई। Our team won the match. The news pleased us. इस समाचार ने मुझे खुश कर दिया कि मेरी टीम मैच जीत गई। तो कैसे बनेगा? इस समाचार ने मुझे खुश कर दिया कि मेरी टीम मैच जीत गई। तो द न्यूज प्लीज्ड अस, द न्यूज प्लीज्ड अस दैट Our team won the match. हमारी टीम मैच जीत गई, इस समाचार ने मुझे खुश कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, Do you want to see the people of India? Question mark. Then you must go to Delhi. यदि तुम इंडिया के व्यक्तियों को देखना चाहते हो तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इफ यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया, देन हट जाएगा यू मस्ट गो टू दिल्ली। इफ डू हट जाएगा यहाँ से, ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला नाउन क्लॉज है, तो ये टू हट के यहाँ पे आ जाएगा इफ ए वेदर। तो इफ यू वांट, दिखाई दे रहा, इफ यू वांट टू सी द पीपल
ऑफ इंडिया, दूसरा है देन हट जाएगा यू मस्ट गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा यदि इंडिया के लोगों को आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ही वाज टेकिन सीरियसली, ही वॉज टेकिन सीरियसली इल, वो सीरियसली यानी गंभीर रूप से बीमार था। दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क। कंप्लीट हिज वर्क, वो सीरियसली इल था इसलिए उसने अपना कार्य पूरा नहीं कर सका। आंसर आपका आएगा ही कुड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इसमें क्या आ जाए, क्योंकि seriously he was taken ill seriously because he was taken आ गया, he was taken seriously ill seriously वो अपना कार्य इसलिए पूरा नहीं कर सका क्योंकि वो सीरियस रूप से गंभीर था। अगला सेंटेंस देखिए, शी रीच्ड आगरा, अगला सेंटेंस है शी रीच्ड आगरा, वो कहाँ पहुंची, आगरा पहुंची। इट वाज रेनिंग इट वाज रेनिंग देन, जब वो आगरा पहुंची तो उसमें बारिश हो रही थी। इसे देखें, पीछे से लगाएंगे आपको तभी सेंस निकलेगा, सेंस देखना होता है। इट वाज रेनिंग और देन कट के क्या हो जाएगा, व्हेन, समय के लिए, व्हेन शी रीच्ड आगरा, व्हेन शी रीच्ड आगरा, जब वो आगरा पहुंची तो वो उसमें क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज क्वाइट टायर्ड He was quite tired. He could hardly stand. वो मुश्किल से खड़ा ही हो पाता था, वो इतना थका हुआ था कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। तो इसका आप क्या बनाएंगे, He was quite tired. He could hardly stand. फिर से वही पीछे से, He
कोड हार्डली स्टैंड, वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था बिकॉज बिकॉज ही वॉज क्वाइट टायर्ड, बिकॉज ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वो इतना थका हुआ था कि मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। अगला है आपका स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, क्या करो सत्य बोलो। यू नीड नॉट फियर, अगर सत्य बोलते हो तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो स्पीक द ट्रुथ में आपको करना पड़ेगा इफ, यदि, इफ यू अपने मन से लगाना पड़ेगा, इफ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि तुम सत्य बोलते हो, ट्रुथ यू नीड नॉट फियर, ऐसे राय यू नीड नॉट फियर, फिर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है श्याम, श्याम हैज ग्रोन, श्याम हैज ग्रोन वेरी वीक, वेरी वीक, श्याम कैसा हो गया था, बहुत कमजोर हो चुका था। ही कैन नॉट वॉक अ माइल, ही कैन नॉट वॉक वॉक अ माइल, इतना कमजोर हो चुका था कि वो एक मील भी नहीं चल पा रहा था। इससे वही बिकॉज आएगा, बस पीछे से आगे आगे इस पीछे करना होगा। तो श्याम, श्याम कैन नॉट वॉक अ माइल, श्याम एक मील भी नहीं चल पा रहा था बिकॉज। बिकॉज अब जो श्याम के लिए यहाँ पे ही आ जाएगा, एक बार श्याम आ गया भी, बिकॉज ही हैज ग्रोन वेरी वीक, वेरी वीक, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए श्याम क्या नहीं कर पा रहा था, एक मील भी नहीं चल पा रहा था। अगला सेंटेंस है आपका, मनोज कुमार, अगला सेंटेंस है ही बग्ड वेरी हार्ड दिस ईयर, ही वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर, उसने इस बार बहुत कठिन परिश्रम किया। ही वॉन्टेड क्यों किया, ही
उसका रिजल्ट देखें, उसका एम यह है, ही वांटेड टू टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, क्योंकि वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आना चाह रहा था, इसलिए उसने क्या किया, इस साल कठिन परिश्रम किया। इसमें सिंपल सिंपल यही हो जाएगा, ही वर्क्ड वेरी हार्ड दिस ईयर, उसने इस साल कठिन परिश्रम किया, because he wanted to top the list of successful candidates, क्योंकि वो कौन से कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया। अगला सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, तीन सेंटेंस हैं, तीन सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तीन सेंटेंस है, देखिए, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है, ही विल नॉट हेल्प मी। और तीसरा है, आई नो दिस, मैं इस बात को जानता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, इसे देखो, तीन सेंटेंस है, तीन सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्या है, ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है, ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं करेगा, आई नो दिस, मैं इसको जानता हूं। तो कैसे बनेगा, आई नो दिस, क्या बनेगा, आई नो दिस ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज एंग्री विद मी, इसमें बिकॉज भी लग गया और दैट भी लग गया। देखे, इसको पीछे से लेना है, आई नो दैट, जिसकी जगह पे दैट आ जाएगा, आई नो दैट ही इज एंग्री विद मी, वो सॉरी ही विल नॉट दैट ही विल नॉट हेल्प मी हेल्प मी अब आ जाएगा यहाँ पे because he is angry with me। देखो, तीन सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई नो दिस का हो गया दैट, आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं करेगा, बिकॉज, क्योंकि ही इज एंग्री विद मी, क्योंकि वो मुझसे नाराज है। एक सेंटेंस और बताते हैं, द थीफ
हिप मीन्स चोर डाइड द थीप डाइड चोर मर गया द पुलिस बीट द पुलिस बीट हिम मर्सीलेसली क्यों मर गया चोर क्योंकि पुलिस ने उसको मर्सीलेसली यानी बहुत निर्दयता से मारा तो द थीप डाइड बिकॉज द पुलिस बीट हिम द थीप डाइड चोर मर गया बिकॉज मैंने क्योंकि द पुलिस बीट हिम मर्सीलेसली क्योंकि उसे पुलिस ने निर्दयता से मारा इसलिए चोर मर गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी 12th क्लास की और 11th दोनों की किताब आई है, इसकी एक्सरसाइज 36 है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके हो गए हैं, अब आपके कंपाउंड सेंटेंस चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।